हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मन पर एंजॉय में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एनसीईआरटी की बुक से टीजीटी एसएसटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसी सीरीज में मैं एक और वीडियो लेकर आया हूं। इसमें पहला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया। ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अकबर या डी शाहजहां। तो पहले का सही आंसर है बी चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर दो, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है। ए सतलुज नदी, बी गंगा नदी, सी नर्मदा नदी या डी झेलम नदी। तो इसका सही आंसर है दूसरे का ए सतलुज नदी। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर है। क्वेश्चन नंबर तीन, भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में है। ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब या डी गुजरात। तो भाखड़ा नांगल परियोजना है पंजाब राज्य में, तो मींस तीसरे का आंसर सही होगा सी पंजाब। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है। ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान या डी केरल। तो हीराकुंड परियोजना है उड़ीसा राज्य में, तो चौथे का आंसर सही होगा ए उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर पांच, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। ए चिल्का नदी, बी गोदावरी नदी, सी महानदी या डी नर्मदा नदी। तो हीराकुंड परियोजना है महानदी पर, इसका आंसर पांचवे का आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। ए अब्दुल कलाम, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद या डी ज्ञानी जेल सिंह। तो इसका सही आंसर है बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्वेश्चन नंबर सात, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ए सरकारी संगठन, बी गैर सरकारी संगठन या सी मिश्रित संगठन या डी दबाव समूह। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन है एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ, तो इसका आंसर होगा बी। सात का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर आठ, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। ए झेलम नदी, बी बेतवा नदी, सी गंगा नदी या डी नर्मदा नदी। तो सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी, तो इसका आंसर क्या होगा डी। क्वेश्चन नंबर नौ, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य में है। ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु या डी केरल। तो क्वेश्चन नंबर नौ का सही आंसर है ए गुजरात। सरदार सरोवर बांध परियोजना गुजरात राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दस, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी मेधा पाटकर, सी राजीव दीक्षित या डी चंदी प्रसाद। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व क्या है, मेधा पाटकर ने। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा बी। आगे चलते हैं, टाटा आयरन व स्टील कंपनी जिसको हम टिस्को भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। ए 1907, बी 1910, सी 1900 या डी 1903। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1907 में, तो इसका आंसर 11वें का आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। ए 1965, बी 1969, सी 1970 या डी 1960। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ए 1965। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी, 1965 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टेलीकॉम विनियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई जिसको हम ट्राई भी कहते हैं। 1970, बी 20 फरवरी 1997, सी 30 जनवरी 1998 या डी 1965। तो क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय टेलीकॉम विनियामक प्राधिकरण की स्थापना हुई थी बी 20 फरवरी 1997 को। तो फ्रेंड्स, ये थी एक और वीडियो, हम अपनी टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं जो कि डीएसएसबी का एग्जाम है 9 सितंबर को। तो अपनी तैयारी में लगे रहो और इसके पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय करते रहो और अपना पढ़ाई पर भी ध्यान देते रहो।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई पर तो ध्यान देते चलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही मिलता हूँ अगली वीडियो में, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।